हाय हेलो नमस्कार, आज मैं रघुवीर सिंह जी के साथ हाट कोटी के पास रायगढ़ है, जो गढ़वाल के एक गढ़ों में है और कभी यह हिस्सा उत्तराखंड गढ़वाल का हुआ करता था। तो रायगढ़ के दर्शन करने जाएंगे, वहां पे शूटिंग करेंगे और ये एपिसोड हमारे दूरदर्शन पे दिखाई देगा। तो रघुवीर भाई उत्तराखंड के जाने माने फोटोग्राफर है, तो लग रहे ना काले चश्मे पहन करके। मेरा काला चश्मा कहाँ गया होगा यार। तो रघुवीर भाई के साथ में ये यात्रा शुरू हो रही है। अभी हम पुरोला में, कहाँ पर पुरोला है ना अभी रघुवीर भाई? हाँ जी, हाँ जी। किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हाट कोटी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ कहाँ से जाएंगे? हम जाएंगे भाई जी यहाँ से जरमोला से मोरी, मोरी से हमारा महासु देवता का मंदिर आता है अनोल। अच्छा अच्छा। अनोल के बाद त्यूनी, त्यूनी त्यूनी के बाद आराकोट। अच्छा अच्छा अच्छा। आराकोट के बाद कुड्डू, कुड्डू के बाद हाटकोटी मंदिर माता रानी। गजब हो गया। तो आज हम रात को कुड्डू रहेंगे, कुड्डू में मेरा दोस्त है। नहीं मेरा भी ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, माता के दर्शन करेंगे करेंगे। तो दोस्तों अभी हम जरमोला धार पहुंच गए। इस होटल का नाम क्या है? जरमोला धार, जरमोला धार होटल। और आप देखना जो चाय का कितना दिखा रहा हूँ मैं आपको, फुल ये देखो, ये चाय का फ्राई पैन फुल भर रखा है। और सुबह सुबह अगर आपने जरमोला धार में चाय नहीं पी, ये देखो बहुत ही यहाँ के नेताजी हैं हमारे जरमोला धार के, है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह है जी। जगत सिंह भाई जी देखो हमें इन्वाइट कर दें कि चाय पकौड़ जरूर खाओ। देखो साहब ये गरम गरम पकौड़ी है, और यदि आपने जरमोला धार में पकौड़ी नहीं खाई। रघुवीर देखो यमुना घाटी के जाने माने फोटोग्राफर रघुवीर सिंह, तो ये भी यहाँ पकौड़ी खा रहे हैं। देखो पकौड़ी हमारे लिए निकाली जा रही है, तो हम पकौड़ी खाएंगे। और ये समोसा भी यहाँ पर है। पर देखो जरमोला धार बहुत सुंदर जगह है। जरमोला धार पहुंचने पे आप जब आएंगे तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जंगल चीड़ का जंगल है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अब हम एंट्री कर चुके हैं एशिया के सबसे बड़े चीड़ के जंगल में, एशिया का सबसे बड़ा चीड़ का जंगल, और इससे लगा हुआ गोविंद वन्य जीव पशु विहार भी है। और इस यहाँ से जब गाड़ी घूमेगी ना, इसको 11 बैंड बोलते हैं, तो 11 बैंड पे हमने गाड़ी घुमा दी, रघुवीर सिंह ने गाड़ी घुमा दी। और जो ये पशु आपको दिखाई दे रहे हैं ये लाबारिस पशु है, क्योंकि इनके माँ बाप सब देहरादून सेटल हो गए और जो कुछ थोड़ा बचे हैं पुरोला चले गए। बाड़ है खरसाड़ी गाँव सामने पर है, और बाजार का नाम गढ़ोगाड़ है। यहाँ से हम आगे चलेंगे तो मोरी बाजार पहुंचेंगे। भले हम आज मोरी बाजार नहीं जा रहे, हम साइड से निकल जाएंगे। हनोल मंदिर का भी आपको दर्शन कराता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे निकलेंगे आराकोट, और फिर हम कोशिश करेंगे हम आज हाटकोटी पहुंचे हैं। तो बन गुजर, हाँ ये बन गुजर हैं, और इनकी भैंसे अब मेरे ख्याल से आ चुकी है मैदान से पहाड़ की तरफ। सर्दियों में ये लोग पहाड़ में आ जाते हैं, नहीं गर्मियों में, और सर्दियों में वापस मैदानों में चले जाते हैं। साथियों हम टोंस नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, आप मेरे सामने टोंस नदी का दृश्य देख सकते हैं। जंगल में एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ था, जो अब नहीं रहा है। सांद्रा रेंज में यह जंगल पड़ता है। वन विभाग ने उस पेड़ को बहुत कई सालों तक उसको सुरक्षित रखा, उसकी चौकीदारी के लिए ये जो हट बने हुए हैं उस पेड़ की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बनाए गए थे। और मैं आपको बता दूँ इस बोर्ड पर लिखा हुआ बाकायदा, और आगे चलो ये आगे ये बोर्ड, ये जो आवाज आ रही है टोंस नदी के, और टोंस नदी के पार जब हम देखेंगे तो ये सामने पे ठडियार गांव है। ठडियार गांव में मासु देवता का थान है, जहाँ पे मासु देवता विराजमान रहते हैं। ठडियार हालांकि सारा कल्चर इनका बावर से मिलता है, लेकिन यह गांव उत्तरकाशी जिले में है। और हम टोंस के हनोल भी देहरादून जिले में है, त्यूनी भी देहरादून में, आराकोट फिर उत्तरकाशी में, क्योंकि हम टोंस पार कर देंगे हम उत्तरकाशी में फिर एंट्री करेंगे। तो सामने पर ठडियार में मैं बहुत नज़दीक से मासु मंदिर को आप दिखा सकता हूँ, ये ठडियार का मासु मंदिर है। इस तरह हमारी यात्रा अब महेंद्रथ पहुँच गई है। महेंद्रथ में मासु देवता का मंदिर आप सामने पर दिखाई दे रहे हैं। हम देवता से आशीर्वाद लेकर के आगे चलेंगे, और इस मासु देवता के इतिहास के बारे में इस शिलापट पे लिखा हुआ है, किस तरह से मासु देवता का प्रवेश हमारे इस टोंस घाटी में हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मानव कल्याण के लिए कुल्लू कश्मीर से कठोर तपस्या कर चार भाई मासु देवता को जौनसार बाबर के महेंद्रथ और हनोल थान में लाने वाले महेंद्रथ गांव के निर्माता पंडित स्वर्गीय श्री हुणा भाट के वंशज श्री मोहनलाल सेमवाल कुल पुरोहित मासु देवता एवं
सचिव मंदिर समिति हनोल अपने परम पूजनीय पिता स्वर्गीय श्री सहराम सेमाल जी की स्मृति में। सामने से टोंस नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा टोंस नदी का, और टोंस नदी के किनारे जो सड़क जा रही है, इसके सामने जो आप बाजार देख रहे हैं, ये ट्यूनी बाजार है। तो बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ के जो व्यापारी हैं स्थानीय भी है और कुछ नेपाली भाई यहाँ पे व्यापार करते हैं। जौनसार का जो दूसरा क्षेत्र बावर क्षेत्र है, बावर क्षेत्र का मुख्य बाजार त्यूनी ही कहलाता है। तो ये टोंस नदी पे पुल है, हम अब त्यूनी बाजार की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि जो मेरे बाएं तरफ वाली सड़क थी वो आगे निकल गई है और ये आगे देहरादून की तरफ जाएगी। अब हम लोग आराकोट की तरफ मुड़ रहे हैं, उत्तरकाशी जिले में फिर हिमाचल में प्रवेश करें। तो अब हम आराकोट से हिमाचल की तरफ चल दिए हैं, कुड्डू बाजार भी हमने क्रॉस कर दिया है, और आप सामने पे जिस पहाड़ को देख रहे हैं उस पहाड़ पे टोटल सेब के बगीचे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, सेब के बगीचे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में, माँ हाटेश्वरी, और हम अभी एंट्री कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ हाटेश्वरी के दरबार में हम पहुँच चुके हैं। पाबर नदी के किनारे पर यह धार्मिक स्थल है, और जहाँ लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे चप्पल बाहर उतारे जाते हैं, फिर आप अंदर माँ के दर्शन करने जा सकते हैं। हाटेश्वरी माँ के कैंपस में हैं, उनके चरणों में हम पहुँच चुके हैं और लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाटेश्वरी माँ के दरबार में कई तरह के लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और यह उत्तराखंड की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ से उत्तराखंड की सीमा लगभग 10 किलोमीटर होगी या ज़्यादा 20 किलोमीटर होगी। तो इस तरह से हम लोग आज हाटेश्वरी पहुँचे हैं। हमने कहीं जाना था लेकिन जहाँ जाना वहाँ सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, कोई भी राजा का महल नहीं है और किसी भी इतिहास के वहाँ संकेत नहीं हैं। तो हम सीधे हाटेश्वरी मंदिर पहुँचे और माँ हाटेश्वरी के दर्शन कर दिए हैं। हो गया सर, कितना? हेलो नमस्कार, अभी मुझे अपने जौनसार बावर के पड़ोसी लोग मिल गए, नेरवा सिलाई नेरवा सिलाई हिमाचल में है, लेकिन हमारे पड़ोसी भाई हैं, त्यूनी के से लगा हुआ क्षेत्र है, और आप मुझे मिले रावीगढ़ में। रावीगढ़ जो है कभी 52 गढ़ों का एक हिस्सा होता था, जिसके नाम से पूरे रवाएं क्षेत्र में रवाएं घाटी भी कहा जाता है। तो मैं रावीगढ़ इसलिए आया कि यहाँ रावीगढ़ में क्या क्या इतिहास बचा हुआ है, यहाँ के अवशेष क्या है। लेकिन यहाँ पर जब आया तो पता चला कि क्या देवता है, लाकड़ा महाराज सुरेश चौहान काम कर रहा है। हाँ, सुरेश चौहान जी हमारे और सब भाई लोग हैं, इतना टाइम तो है नहीं सबका नाम, और हम सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को मिल करके। तो आप लोग अभी रावी किले का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, और 28 तारीख को यहाँ पर क्या होने वाला है, भंडारा होने वाला है, और खाडू बकरे भी कटेंगे। तो ये बड़ी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर उस जमाने के वीर भर रहते थे, जिनकी अपनी सल्तनत हुआ करती थी, उनकी जागीर थी पूरी इस पावर घाटी में। तो उन लोगों के किला है, बताया जाता है कि यहाँ एक लड़ाई झगड़ा हुआ और रावीगढ़ को लेकर के दूसरा रावीगढ़ बनाया गया जो यहाँ से 11 किलोमीटर आगे है, हम वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन पुराना रावीगढ़ यही है। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं पे समापन करता हूँ, अगली वीडियो के लिए आपसे मुलाकात करूँगा, अनुमति दीजिए, नमस्कार।